पिस्तौल कारतूस व लाल मिर्च पाउडर के साथ पकड़ा गया चोरों का गैंग डकैती की योजना को नाकाम करते हुए बक्सर पुलिस ने आधा दर्जन अपराधकर्मियों को पिस्तौल व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है इनकी गिरफ्तारी कृष्णा ब्रह्म थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग चौरासी पर धरहरा पुलिया के पास से हुई है शातिर अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में पूरी तैयारी के साथ योजना बनाई थी जिसको अंजाम देने के लिए महंगी बाइक लाल मिर्च पाउडर ग्लव्स तथा क्रैप बैंडेज जैसे सामान भी रखे हुए थे पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ की गई तो यह ज्ञात हुआ कि उनका गैंग ब्रह्मपुर कृष्णा ब्रह्म तथा डुमराव थाने में सक्रियता से कार्य कर रहा है इनकी संलिप्तता दुकान तथा घर में चोरी की अलग अलग घटनाओं में है इनके पास से पूर्व में चोरी का कुछ सामान भी बरामद हुआ है पुलिस ने अपराधियों से पूछताछ कर इस गैंग में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई है जिनकी गिरफ्तारी के लिए रणनीति बना रही है एसपी ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों में धनोज कुमार राजेश राय दोनों डुमराव दक्षिण टोला भोला कुमार पासी ठठेरी बाजार डुमराओं शुभम कुमार वर्मा सोनारपट्टी डुमराओं राहुल पासी गजधरा राजपुर तथा मुबारक अंसारी जो कि ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के घून छपरा का निवासी है पकड़ा गया है सभी को पूछताछ करने के उपरांत जेल भेज दिया गया इनके पास से आर R1 वन तथा आर फिफ्टीन मोटरसाइकिल बरामद की गई है जो यामाहा कंपनी की है इसके अतिरिक्त इनके पास से दो पिस्टल तथा दो जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं ऐसा माना जा रहा है कि यह गैंग चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के साथ साथ अब डकैती की योजना बना रहा था जिसके लिए उन्होंने लाल मिर्च पाउडर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी इसके अतिरिक्त फाइटर यानी कि पंच चलाने के लिए हाथों में क्रैप बैंडेज बांधने तथा घटनास्थल पर उंगुलियों का निशान ना छूटे इसके लिए हाथों में ग्लव्स लगाकर कार्य करने की योजना बनाई गई थी अपराधियों ने यह स्वीकार किया है कि एक महीने के अंदर उन्होंने 18 अगस्त की रात्रि को ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र में सोना चांदी की दुकान में तथा कृष्णा ब्रह्म थाना क्षेत्र में एक सितंबर को अरियाओं के एक घर तथा इसके पूर्व सत्ताईस जुलाई को डुमरांव थाना अंतर्गत एक सोना चांदी की दुकान में चोरी की थी एसपी ने बताया कि छापेमारी दल में कृष्णा ब्रह्म अध्यक्ष संतोष कुमार प्रशिक्षु अवर निरीक्षक रवि कुमार सहायक अवर निरीक्षक राधा मोहन सिंह तथा डी टीम एवं थाना का सशस्त्र पुलिस बल शामिल था उन्होंने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ में जो इनपुट मिला है उसके आधार पर पुलिस आगे की योजना बना रही है निश्चित रूप से सफ़ेद पोष भी बेनकाब होंगे एसपी ने यह भी बताया कि जो भी अभियुक्त पकड़े गए हैं सभी कम उम्र के ही हैं बहरहाल इस कार्रवाई के सामने आने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो गई कि युवा पीढ़ी अपराध के दलदल में घुसती जा रही है हालांकि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में युवाओं की सहभागिता इतनी क्यों हो रही है इस पर विचार करने की ज़रूरत है हम अपने दर्शकों से भी यह आग्रह करेंगे कि वह अपने विचारों से हमें अवगत कराएँ ताकि सामाजिक तौर पर इस पर एक खुली बहस हो सके और ऐसे युवाओं जो कि रास्ता भटक कर अपराध के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं उनको उस दलदल से बाहर निकालने के कुछ उपाय सामने निकलकर आ सकें बहरहाल यह खबर आपको कैसी लगी इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यदि आप फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे नए पेज को फॉलो जरूर कर लें हमें लाइक like भी करें इसके साथ ही यदि आप यूट्यूब पर इस खबर को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहले कर लिया है तो हमारे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें इंस्टाग्राम पर भी यदि आप इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम नियमित रूप से आप ताजा खबरों से अपडेट कराते रहें हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद